हरे कृष्ण, काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के रामकथा में तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के तीसरे अध्याय, वाल्मीकि कंपोजेस रामायण, और इसके दूसरे नंबर श्लोक पर चर्चा किए थे। आज तीसरा चौथा श्लोक पर चर्चा किया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि अब आचमन करते हैं और भगवान राम के चरित्र पे ध्यान समाधि में जाते हुए उनके रामायण ग्रंथ का रचना करना प्रारंभ। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन चा सभारेण सराश्रेण यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्जायच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यति। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन चा एंड बाय द फोर्स ऑफ धर्म वाल्मीकि फैक्चुअली ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ राम लक्ष्मण सीता किंग दशरथ विथ हिज वाइफ्स एंड सिटीजंस एज वेल एज देयर लाफ्टर टॉक्स मूवमेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज। भगवान भगवान के संबंध में जितने भी उनके पार्षद हैं, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके कार्यकलाप, उनके रूप, उनके नाम, सबका वाल्मीकि ऋषि दर्शन कर पाए और एक्चुअली में फैक्चुअली ऑब्जर्व कर पाए। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन चा, यानी राम लक्ष्मण सीता मैया के साथ ना, और साथ ही साथ दशरथ महाराज, चा चा सूचित करता है, चा जो है चा सूचित करता है कि दशरथ राम लक्ष्मण सीता दशरथ इत्यादि और जो भी है रामायण जो भी कैरेक्टर, यहाँ तक कि जो राक्षस वगैरह भी हैं, रावण उनकी सेना, सब कुछ रामचरित राम भगवान के चरित्र के बारे में, रामायण के बारे में जो है ऑब्जर्व कर पाए वाल्मीकि ऋषि। सब हारेण उनके पत्नियों के साथ साथ राष्ट्रेण सिटीजन्स, राष्ट्रेण मतलब वहां पे रहने वाले उनके जितने भी समस्त नागरिकों के साथ, यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए तत्र तत्वतः, तत्वतः मतलब डिटेल्स के साथ, यानी हूबहू एज इट इज यथार्थ। कई बार हम भी कुछ तो देखते हैं लोगों को कार्य करते हुए बोलते हुए, यानी आंखों से देखते हैं, भौतिक बुद्धि से उसको अनुमान लगाते हैं या विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा वो सत्य हो जरूरी नहीं। लेकिन वाल्मीकि ऋषि भगवान राम लक्ष्मण माता सीता दशरथ और उनके राज्य में रहने वाले सभी नागरिक और असुर जितने भी लोगों का, सबके क्रियाकलापों का तत्व के साथ मतलब एज इट इज यथार्थ जो है उसको प्राप्त कर पाए, समझ पाए। हसितम भासितम च एवा, उनके अलग अलग प्रकार के जो संवाद हुए उसमें हास्य संवाद है, दुखमय संवाद है, गंभीरता है, भासितम टॉक्स, हसितम उनके लाफ्टर सी मजाक च एवा, और अन्य चीजें भी च एवा, गतिर या उनके मूवमेंट कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनके विचार क्या क्या हैं, क्या लक्ष्य हैं, उनकी क्या धारणा है, या यत च चेष्टितम ता तत एंड अदर एक्टिविटीज, और सब कुछ तत् सर्वम, वो सब कुछ तत् सर्वम यानी सब कुछ इन सभी रामायण के चरित्रों के बारे में यथावत, यथावत मतलब फैक्चुअली यथारूप, यथावत या यथारूप, उसमें बिना किसी फॉल्सिटी के, कोई उसमें असत्य नहीं, सत्य 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 रूप में, सही सही ठीक ठीक रूप में यथावत संप्रपश्यति। संप्रपश्यति मतलब ऑब्जर्व किए, प्रपश्यति का मतलब होता है पश्यति, देखिए पश्यति मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना, और इसके पहले प्र और सम तो प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय प्रीफिक्स, दो प्रीफिक्स लगे हुए हैं, दो विशेषताएं बताएंगे। पश्यति प्रपश्यति मतलब प्रकृष्ट रूपेण पश्यति, प्रकृष्ट रूपेण यानी बिल्कुल गहराइयों के साथ, और सम सम्यक रूपेण प्रकृष्ट रूपेण पश्यति, सम प्रपश्यति यानी पूरी तरह से गहराई में जाकर के ऑब्जर्व कर पाए, विश्लेषण कर पाए,
देख पाए तत्वतः यथावत एज इट इज यथारूप देख पाए। और ये सब वाल्मीकि ऋषि कर पाए किसके कारण? सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे शब्द आया है वो है धर्म वीरेणा, धर्म वीरेणा बाय द फोर्स ऑफ धर्म, धर्म के बल पे, बाय द फोर्स ऑफ धर्म यू कुड ऑब्जर्व इट, धर्म वीरेणा धर्म धर्म में स्थित होकर के। धर्म क्या है? धर्म है जीवेर स्वरूप होए उसने नित्य दास। तो अपने आप को ब्रह्मा जी के उपदेश को प्राप्त करके, नारद मुनि के उपदेश को प्राप्त करके, उनके शिष्य बन करके वाल्मीकि ऋषि भली भांति जान पाए कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान राम का दास हूँ, भगवान राम का भक्त बन पाए। तो भक्त होना और भक्त धर्म मतलब कर्तव्य, स्वधर्म पर धर्म, आध्यात्मिक धर्म भौतिक धर्म। यहाँ पे धर्म वीरेण शब्द सूचित करता है उनके वास्तविक धर्म की बात की जा रही है, यानी आत्मा के धर्म की बात की जा रही है। और धर्म का मतलब, धर्म का बहुत सरल परिभाषा है, धर्म का मतलब कर्तव्य। भौतिक धर्म भौतिक कर्तव्य, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भगवान रामायण की रचना कर रहे हैं तो आध्यात्मिक चीजों की बात हो रही है, तो निश्चित रूप में यहाँ पे धर्म वीरेण धर्म भौतिक धर्म की बात नहीं की जा रही, लौकिक धर्म की बात नहीं की जा रही, जो धर्म शास्त्रों में संपन्न किया गया है, तो देश के प्रति, समाज के प्रति, अन्य जीव जंतुओं के प्रति, माँ बाप के प्रति, देवताओं के प्रति, पितृगणों के प्रति, इस धर्म की बात नहीं की जा रही, या कर्मकांड धर्म की बात नहीं की जा रही। ये साफ साफ जो है किस धर्म की बात हो रही है? भगवत धर्म की बात हो रही है, भागवत धर्म की बात हो रही है। पिछले श्लोक में ऑलरेडी वाल्मीकि ऋषि समाधिस्थ होकर के, समाधि में जाकर के भगवान रामचंद्र पे पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर के, भक्ति भाव से, भक्ति भाव को प्राप्त करके ऑलरेडी भगवान राम के बारे में साक्षात्कार प्राप्त किए। धर्म वीरेणा मतलब शुद्ध भक्ति वीरेणा, वो शुद्ध भक्ति में स्थित होकर के उस वीरेणा, वीरेणा मतलब उस शक्ति से, उस फोर्स से, उस बल से वाल्मीकि ऋषि को ये योग्यता प्राप्त हुई कि वो संपूर्ण रामायण के एक एक चरित्र के बारे में स्पष्ट रूप में तत्ववतः, तत्व के साथ यथावत संप्रपश्यति, सम्यक रूपेण विकृष्ट रूपेण उसको ऑब्जर्व करते हुए उसका वर्णन कर पाए रामायण ग्रंथ में। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो धर्म वीरेण मतलब ये समझना है वाल्मीकि ऋषि के लिए यहाँ पे शुद्ध भक्ति वीरेण, शुद्ध भक्ति में स्थित होकर, शुद्ध भक्ति के बल पे ही कोई व्यक्ति भगवान तथा भगवान से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, भगवान के सारे गुण, भगवान के धाम, भगवान के नाम, रूप गुण, लीलाओं को क्या कर सकता है? न केवल जान सकता है, समझ सकता है, बल्कि प्रपश्यति संप्रपश्यति दर्शन कर सकता है, देख सकता है, यथावत एज इट इज देख सकता है, तत्वतः तत्व के साथ देख सकता है, सर्वम पूरी तरह से देख सकता है, सब कुछ जान सकता है। ये होती है शक्ति, भक्ति शक्ति की का प्रभाव होता है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग को जो स्वीकार करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में जो स्थित हो जाते हैं, तो अपने आप ही स्वयं एव स्फुरति अदः, अतः श्री कृष्ण नामादिना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय जीव सेवन मुख ही जिह्वादु स्वयं एव स्फुरति अदः, कि अपने आप ही स्फुरित होता है भगवान से संबंधित हर प्रकार की उनकी दिव्य लीलाएं। क्योंकि ये जो भगवान के क्रियाकलाप है, उनके नाम रूप गुण और लीला, ये कोई साधारण नहीं है, ये भौतिक जगत के नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिक है, दिव्य। इनको भौतिक शब्दों और भौतिक कैलकुलेशन करके कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, भौतिक जगत के ये परे है। तो इसको केवल भक्ति वीरेणा, धर्म वीरेणा या भक्ति वीरेणा, भक्ति के बल पे ही समझा जा सकता है। जैसे गजेंद्र युद्ध पाया, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, ये मन्ने धना विजन सुतो तस्तो जा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। मन्ने धना भक्त्या सुतोष भगवान गज युद्ध पाया,
ये श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज इसके बारे में बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं। वंदे धना जनयो पाया मन्ने धना मन्ने धनाभिजन रूप तपा श्रुताओ जस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवंति परस्य पुंसो भक्त्यात् दोष भगवान गजयूथ पाया। भक्त्यात् दोष भक्ति के बल में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, आई कंसिडर, मैं मानता हूँ कि धन अभिजन, धन धन अभिजन मतलब बहुत ऊंचा परिवार, रूप सुंदरता तपा तपस्या श्रुता वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, मन्ने धना विजन रूप तपः श्रुत औज, ओजा मतलब शक्ति, तेजा शारीरिक तेज, प्रभाव बहुत सारा प्रभाव इन्फ्लुएंस है, बल पौरुष बुद्धि योगा बल और बॉडी स्ट्रेंथ, पौरुषा पुरुष पुरुषत्व बुद्धि योगा न आराधना यही भवंती परस्य पुंसा। इसके द्वारा कोई भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। वहीं दूसरी ओर भक्त्यादुतोष भगवान गजयूथ पाया, भक्ति से ही दुतोष भगवान संतुष्ट होते हैं, जैसे कि गजयूथ पाया गजेंद्र, गजेंद्र के पास ये सब चीजें नहीं था लेकिन भक्ति था, उसके कारण भगवान को प्रसन्न कर पाया, भगवान को समझ पाया, भगवान को प्रार्थना अर्पण कर पाया, निर्दय से भगवान के कृपा का पात्र बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि अपने आध्यात्मिक गुरुओं के कृपा से, नारद मुनि की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से, जो शुद्ध भक्ति का बल प्राप्त किया उसके बल पे वो क्या कर पाए, संप्रपश्यति सम्यक रूपेण देख सके। और इसीलिए उनके द्वारा ये जो रचित ग्रंथ रामायण ग्रंथ है, ये भी केवल और केवल वो ही व्यक्ति समझ सकते हैं तत्व के साथ यथावत संप्रपश्यति, देख सकते हैं समझ सकते हैं, जो उनके ही पद चिन्हों में पालन करते हुए इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त, शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो स्थित होते हैं, उस शुद्ध भक्ति के बल पे ही कोई व्यक्ति इसको समझ भी सकता और दूसरों तक सब दूसरों को समझा भी सकता, अन्यथा अन्य किसी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकता। तो धर्म की प्रेरणा इस बात को सूचित करता है। तो वाल्मीकि ऋषि ही सॉ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड राम एंड अदर्स इन क्लियर डिटेल बाय धर्मा, दैट इज द पावर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मास हैप्पी ब्लेसिंग। ये देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि धर्म धर्म के कारण, धर्मवीरेण मतलब उस शक्ति को, द पावर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मास हैप्पी ब्लेसिंग्स, ब्रह्मा जी महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो उनकी कृपा को प्राप्त किए, उनके आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि को भी भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, और उस आशीर्वाद से वास्तव में उस बल पे सब कुछ वो प्राप्त कर सकते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादन भगवत, यस्य प्रसादन भगवत प्रसाद, जिनके प्रसाद जिनकी कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और फिर उससे व्यक्ति भगवान को समझ जाता है। प्रसाद लेसान विहित तत्व जानाति भगवन महिम न च तत् चिरन विचन, प्रसाद प्रसिद्ध तत्व, ये भी श्रीमद्भागवतम में प्रसाद लेसान प्रसिद्ध तत्व नचा चिरम सिंह। ब्रह्मा जी का स्तुति भागवत में 14वां अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान को ये स्तुति जब अर्पण करते हैं, 10.14.29 श्रीमद्भागवतम 10.14.29। ब्रह्मा जी आप सबको मालूम है, वो बालकों को चोरी करके ले गए, उसके पश्चात भगवान उनको जो है शिक्षा देते हैं और अपने
अपना दर्शन अपनी शक्ति के प्रभाव को बताते। तब ब्रह्मा जी बड़े विनम्र होकर के क्षमा याचना करते हुए बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं और बताते हैं कि आपको कौन समझ सकता है। अथा पिते देव पदाम्बुजत्वय प्रसाद ले सानुग्रहीत वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यको अपि चिरं विचिन्वन् अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम्। अगर आपके पद अम्बुज, भगवान के पद अम्बुज, अम्बुज मतलब कमल, द्वया द्वया मतलब टू, योर टू लोटस फीट, आपके दो चरण कमलों का जो प्रसाद लेसान प्रसीत एवहि, जो आपके दो चरण कमलों के प्रसाद यानी कृपा का लेस मात्र, लेस का मतलब होता है ना बहुत कम, थोड़ा सा भी अगर अनुग्रहीत मतलब फेवर्ड है, उसकी कृपा को प्राप्त कर लिया है, वो जानाति तत्वम भगवान महिमा, आपकी महिमा को तत्वों के साथ जान जाता है। वही न च अन्य, अन्य लोग एको अन्य में से कोई भी व्यक्ति अपि चिरम विचिन्वन् नहीं जान सकते हैं, भले ही वो हजारों लाखों लाखों साल तक अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके विचिन्वन चिंतन करते रहें, सोचते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें और प्रयास करते रहें आपकी महिमा को समझने का, वो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वो साधारण सा व्यक्ति भक्त भी जो आपकी कृपा का एक लेश मात्र प्राप्त कर लेता है, वो बड़ी आसानी से समझ सकता है आपकी महिमा को, थोड़ी भी कृपा को प्राप्त। तो कृपा कहाँ से मिलती है? मही यशाम पाद रजो विशेखम, कृपा प्राप्त होती है महाराज रघुगण, ये वर्णन करते हैं भागवत। मही यशाम पाद रजो विशेखम, मही यशाम मतलब, मही यशाम का मतलब होता है महान शुद्ध भक्त जो होते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के सात सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक में बोलते हैं कौन? प्रहलाद महाराज। नै श्याम मतिस्ता वदुरुक्रमांग्रिं स्पृश्य नर्थापगमो यदर्था मही यशाम पाद रजो विषेकम् निष्किंचनानां न विरणीत याव। नै श्याम मतिस्तावत, उस समय तक किसी भी व्यक्ति का मति उरुक्रमांग्रिं, गुरुक्रमा, गुरुक्रमा भगवान का एक नाम है, गुरुक्रमा या विक्रमा नाम है, उनके अंग्री यानी उनके चरण कमलों के में मति उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कोई मही यशा मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमलों का जो दस्त धूल है उसका अभिषेक नहीं प्राप्त कर लेता है, जिससे उसके सारे अनर्थ उपगमो या दर्थ सारे अनर्थ नष्ट नहीं हो जाते हैं और उन्हें किंचन नहीं बन जाता है, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर नहीं बन जाता है, न व्रणीत यावत, तब तक वो आपको नहीं समझ सकता। ये भागवत में भी यही सिद्धांत है, गीता में भी भगवान बोलते हैं भक्त्या तो अनन्याशक्त्या एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतपः। गीता में भगवान भी बोलते हैं कि भक्त्या ही अनन्याशक्त्या, शक्त्या मतलब वन इज एबल टू, समर्थ हो पाता है शुद्ध भक्ति के द्वारा ही, तो समर्थ हो पाता है कि भगवान को जान सके, भगवान ज्ञातुं दृष्टुं प्रवेष्टुं च परंतपः, ना केवल वो जान सकता है बल्कि देख भी सकता है और साथ ही साथ में भगवान के साथ लीला में प्रवेश भी कर सकता है, ये तीनों चीज वो प्राप्त कर सकता है भक्त्या तो अनन्या सत्या, शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति के बल पे इतनी शक्ति होती है। और वहीं जिसके पास अनन्य भक्ति ये नहीं है, ना ज्ञातुं और दृष्टुं प्रवेष्टुं, तो दूर की बात, ज्ञातुं भी नहीं, समझ भी नहीं सकता, अवजानन्ति माम, अवजानन्ति नहीं जान सकता है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समान, तो कौन अपने आप को ढक के रख, भक्त्या माम अभिजान, केवल भक्ति के द्वारा मेरे को जान सकता है। ये शुद्ध भक्ति की कृपा से ही व्यक्ति भगवान के बारे में भली भांति जान सकता है, समझ सकता है, भगवान को देख सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ में भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश भी कर सकता है। ये है आज के श्लोक का निष्कर्ष। और दूसरा कि भगवान के ही इस प्रकार की जो शुद्ध भक्ति होती है, तो भगवान की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से
ये प्राप्त होती है, तब व्यक्ति इस स्थिति में जा सकता है। चेष्टितम इंडिकेट्स दैट ही सॉ इन मेडिटेशन एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड रामास विद वॉर विद रावण एंड सो ऑन। बाय लॉर्ड ब्रह्मास ब्लेसिंग्स वाल्मीकि डायरेक्टली परसीव दीज इवेंट्स इन योगा एज इफ थ्रू हिज ओन आईज एंड अदर पर्सपेक्टिव्स। ये शक्ति होती है, भक्ति योग की शक्ति होती है, जिससे आप अपनी आंखों से और जितनी भी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान को परसीव कर सकते, साक्षात्कार प्राप्त कर सकते, न केवल आंखों से बल्कि आंख कान नाक जीवा त्वचा मन बुद्धि सब जितने भी होते हैं सब आध्यात्मिक रूप से भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करके दिव्य आनंद भी प्राप्त करता है, और उस दिव्य आनंद को आस्वादन करते हुए जो उच्छिष्ट निकलता है वही ग्रंथ के रूप में प्रकट हो जाता है अन्य लोगों को लाभ देने के। शिक्षा तो समय हमें विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।